तो हरियाणा में गर्मी का भीषण कहर पड़ रहा है। सभी जिलों में तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है। सिरसा, हिसार, जींद में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा है, तो वहीं सोनीपत, मेवात, झज्जर, महेंद्रगढ़, अंबाला में तापमान 44 डिग्री पर है। 28 मई तक हरियाणा में कई जगह पर बारिश की संभावना है। देखिए, बारिश की संभावना तो जताई जा रही है, लेकिन इस बीच जो गर्मी फिलहाल अभी पड़ रही है उससे लोग परेशान हैं। गर्मी का कहर, गर्मी का सितम कुछ ऐसा है कि लोग घर से बाहर जाने से भी डर रहे हैं। सभी जिलों में 42 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए, 42 डिग्री तापमान अगर सभी जिलों में होगा तो गर्मी कितनी ज्यादा होगी। वही बात अगर सिरसा और हिसार की और जींद की करें तो यहां पर तो 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान पहुंच चुका है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं हाय रे गर्मी। ये जो गर्मी पड़ रही है वो लोगों के लिए अब इतनी मुसीबत पैदा कर रही है कि घर से बाहर निकलने पर भी लोग डर रहे हैं। लेकिन काम है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, इसलिए कुछ लोग पानी का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग जलजीरा का, कुछ लोग नींबू पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सोनीपत, मेवात, झज्जर, महेंद्रगढ़, अंबाला में तापमान 44 डिग्री बना हुआ है। हालांकि एक उम्मीद की किरण इस बात से जाग रही है कि 28 मई तक हरियाणा में कई जगह पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 मई तक बारिश हो सकती है हरियाणा में कुछ जगहों पर। तो कब होगी बारिश, कितना इंतजार करना पड़ेगा, गर्मी से राहत आखिर कब मिलेगी, मौसम सुहावना कब होगा, ये सबके चेहरे पर सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच गर्मी का सितम कुछ ऐसा है कि लोग परेशान हैं। खासतौर पर बच्चों की अगर बात करें, बच्चे भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं गर्मी से। और ब्यूरो चीफ राजेंद्र धैया मेरे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र, देखिए कि गर्मी का सितम कुछ इस तरह से पड़ रहा है कि लोग अलग अलग विकल्प ढूंढ रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे गर्मी से निजात पाएं। क्या लगता है, मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक इस तरह का बना रहेगा तापमान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरीके से गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है और जो तपिश भरी गर्मी है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और इससे बचने के लिए लोग तमाम तरह के पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। वहीं घर से बाहर भी लोग कम ही निकल रहे हैं, जिनको जरूरी काम है वही घर से बाहर निकल रहे हैं। और मौसम में बदलाव की जहां तक बात है, तो आज रात से मौसम विभाग ने जो बताया है, आज रात को हो सकता है मौसम चेंज हो जाए और लोगों को राहत की सांस मिल जाए। लेकिन उससे पहले की अगर बात करते हैं तो कल भी 42 डिग्री टेम्परेचर रहा, और अब फिलहाल की अगर बात करें तो 40 डिग्री पर तापमान जा पहुंचा है। और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस पर अभी भी तापमान जो है बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं गर्मी लोगों के लिए काफी परेशानी भरी साबित हो रही है, और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं गर्मी के कारण लोगों को हो रही है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वही मार्केटों में भी लोगों की भीड़ कम हो गई है। लगातार जिस तरीके से गर्मी का सितम जारी है, तो वहां यही मैं आपको थोड़ा सा सड़कों का नजारा भी दिखा देता हूँ कि लोग किस तरीके से जो है गर्मी में अपने कामों को करा रहे। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी से लोग परेशान है, और तमाम लोग हैं जो सिर पर कपड़ा ढांक कर ही जो है सड़कों पर निकल रहे हैं। अमूमन तौर पर जो सड़क लगातार वाहनों से भरी रहती थी, आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है खाली ही है, आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना गर्मी के कारण करना पड़ रहा है। और यहाँ पर फरीदाबाद की अगर बात करें तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, और लोग अपने सिरों पर कपड़ा ढांक कर जो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। वहीं तमाम जो ऑटो चालक है, वो कई बार छाया में आपको आराम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो लगातार लोग जो है पेयजल पदार्थों का भी सहारा लेते हैं। राजेंद्र, ऐसे में बात अगर डॉक्टर्स की करें, जानकारों की करें, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से बचा जा सकता है इस गर्मी से, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है गर्मी की वजह से। देखिए, डॉक्टरों ने जो हिदायत जारी की वो साफ तौर पर कहा है कि एक तो गंदा पानी ना पिए, और कटे और जो फल होते हैं उनसे भी बचाव रखें। खुले में जो खाने पीने की सामग्री रखी हुई है उससे कहीं ना कहीं बचाव करें, और घर से जब भी निकले तो सर पर कपड़ा ढांक कर निकले, यदि कोई जरूरी काम है तो ही घर से निकले, और साथ में पानी की बोतल जरूर लेकर चले साफ पानी की, ताकि गर्मी से बचा जा सके। और समय समय पर पानी का सेवन जरूर करते रहें,
ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और हाँ। जो जलजनित बीमारियां उनसे भी जो है बचा जा सके जी। और सबसे बड़ी बात राजेंद्र ये भी बताइए कि जो खासतौर पर ये जो छोटे दुकानदार होते हैं जो इस तरह का काम जलजीरा बेचना या फिर नींबू पानी, इससे लोगों को कितनी राहत मिलती है? हालांकि ये खुद लोग जो हैं वो धूप में खड़े रहकर इसकी बिक्री करते हैं, लेकिन काफी फायदा इससे जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं या एक जगह से जो दूसरी जगह पे जा रहे हैं उनको मिल पाता है। देखिए जो लोग सफर तय करते हैं, गंतव्य तक जाते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो निसंदेह वो लोग रास्ते में रुककर जरूर जो रेहड़ियों पर नींबू पानी या अन्य तरह का पेय पदार्थ जो मिलता है उसका सहारा लेते हैं और उससे काफी राहत भी उनको महसूस होते हैं। अभी नींबू पानी गर्मी के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, तमाम लोगों को नींबू पानी का सहारा लेते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि नींबू पानी जो है गर्मी से काफी राहत दिलाती है और गर्मी काफी है। बिल्कुल, भाई साहब गर्मी कितनी है, कितनी परेशानी हो रही है गर्मी से? ज्यादा तपिश है हम सुबह, तो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं सृष्टि और लोगों को गर्मी से काफी परेशानी का सामना। और भी खड़े हैं राजेंद्र, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, इतनी धूप में बाहर खड़े हैं, कोई विशेष वजह ही? गर्मी है, गर्मी से कितनी परेशानी हो रही है आपको? ज्यादा गर्मी है आपकी बात, आप क्या मानते हैं जी? आपकी बात ज्यादा है गर्मी, तो कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा है, तमाम लोग इस बात को मानते हैं और परेशानी भी लोगों को हो रही है, तो कहीं ना कहीं बचने के लिए भी लोग आप देख सकते हैं कि सर पर कपड़ा ढाप कर जो है तमाम जो महिला है वो अपने जाती हुई आपको दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि गर्मी से बचाव जरूरी है और जब तक बचाव नहीं होगा तब तक भी बीमारियों से बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि राजेंद्र जो आम लोग हैं उनका इस पर जागरूक रहना बहुत जरूरी है, गर्मी से बचने के उपाय करने हैं ताकि खुद को बीमार ना करे। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। अब मैं रुक करूंगी पिहोवा से मेरे सहयोगी गगन का। गगन, पिहोवा में टेम्परेचर अभी कितना है और कितनी समस्या वहां के लोगों को हो रही है गर्मी से, कैसे हालात? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बात की जाए तो इस समय जो पिहोवा का टेम्परेचर है जो है 37 डिग्री जो है सेल्सियस जो है दर्ज किया गया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को जिस तरह से देखिए बात की जाए तो पूरे प्रदेश में नहीं देश में अधिकतर जो है गर्मी बढ़ने को लेकर यह लोगों को काफी समस्याएं जो है दिखाई दे रही है। देखिए जगह जगह पर जो है पानी की छबीले जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। देखिए तकरीबन जो भी लोग हैं जो अपना जरूरी काम है सुबह के समय में ही जो है कर लेता है, क्योंकि देखिए अधिकतर जो है गर्मी जो है बढ़ती ही जा रही है। देखिए स्कूल के बच्चे हों, महिलाएं हों, जो बाजार के अंदर जो जब भी बाजार के अंदर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं वो अपने सिर पर कपड़ा कहीं ना कहीं अपना आपको धूप से बचाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से देखिए बात की जाए तो मौसम विभाग के द्वारा भी जो है जानकारी जो दी गई है कि आज जो है दोपहर बाद से जो है मौसम जो है बदल सकता है। और देखिए बात की जाए तो अधिकतर जो है जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ने को लेकर ही है तो डॉक्टरों के द्वारा जो है लोगों से अपील की जा रही है कि जिस तरह से पेशेंटों की संख्या जो है हॉस्पिटलों में लगातार जो है बढ़ने को लेकर यह डॉक्टर पेशेंटों को लोगों से कह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, और जो है अगर घर से जो है जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। डॉक्टरों की हिदायत अधिक जो है बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको दी जा रही है कि कहीं ना कहीं जब भी घर से बाहर निकले तो जरूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा घर से ना निकले। और जिस तरह से लू के थपेड़े जो है लोगों का यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से वो जो उपाय हैं गर्मी से बचाव के वो कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताइए कि अभी मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक इस तरह का टेम्परेचर बना रहेगा, क्या कोई कमी तापमान में आएगी इसकी उम्मीद की जाए? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के द्वारा सृष्टि देखिए जानकारी जो दी गई है कि आज दोपहर बाद के बाद से जो है मौसम में जो है बदलाव आ सकता है, 4-5 दिनों की जो है राहत जो है मिल सकती है, और उसके बाद जो है गर्मी जो है अधिकतर जिस तरह से देखिए बात की जाए तो अभी मई जो है खत्म होने को अभी जून भी जो पड़ा जिसमें देखिए अधिकतर जो है गर्मी जो है देखने को मिलती है। और मौसम विभाग के द्वारा भी एक अलर्ट जो है जारी किया गया है कि अभी जो है गर्मी बढ़ने को लेकर यह जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले,
और देखा गया है कि जिस तरह से देखिए जो लोग हैं सुबह के समय में ही अपना जरूरी काम कर लेते हैं और दोपहर के समय में जो है सड़कें हैं बाजारें हैं उन पे जो है सुनसान जो है देखने को मिलता है क्योंकि देखिए गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लू के कपड़ों की वजह से जो है गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग बच रहे हैं कि बाहर ना निकले। हालांकि मौसम विभाग कह रहे हैं कि 28 मई तक बारिश हो सकती है हरियाणा के कुछ जिलों में, तो उम्मीद की जा रही है कि भाई बारिश तो आए, कम से कम तापमान तो गिरे। बहुत शुक्रिया आपका गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सोनीपत, मेवात, झज्जर, महेंद्रगढ़, अंबाला सभी जगह पर 44 डिग्री बना हुआ है तापमान। 28 मई तक हरियाणा में बारिश होने की उम्मीद है और इंतजार आम लोग भी यही कर रहे हैं कि बारिश हो तो तापमान में थोड़ी गिरावट हो, थोड़ी राहत मिले गर्मी से। अब देखिए लोग किस तरह से पानी से प्यास बुझा रहे हैं, गर्मी से बचाव कर रहे हैं पानी पीकर अपना। नींबू पानी, जलजीरा, इस तरह के जो पेय पदार्थ होते हैं उनका कहीं ना कहीं उपयोग जो है वो लोग ज्यादा करने लगते हैं गर्मियों में। वहीं डॉक्टर्स की अगर सलाह मानी जाए तो उनका कहना है कि फ्रूट्स आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे खाएं जिनमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखें कि फ्रूट्स को ज्यादा देर तक काट के ना रखें, जब उसे काटें तब तुरंत खा लें। पानीपत से मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में क्या टेम्परेचर अभी बना हुआ है और कितनी परेशानी लोगों को हो रही है इस जलती गर्मी से? देखिए अम्मी, मैं अगर सृष्टि बात करूं तो देखिए 12:05 हुए हैं और जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है 39-40 के करीब जो है वो दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी ने सभी तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। लेकिन एक आशा की किरण आज महसूस होती है, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं बूंदाबांदी और मौसम थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो उसको लेकर लोगों की आस बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी, सड़ी गर्मी पड़ रही है उससे उसको लेकर जो है ना तो निकलने, ये लगा लीजिए निकलते वक्त भी जो हाईवे हैं वो हाईवे इस तरीके से इस गर्मी से इस कदर वो है, बेहाल के आदमी का निकलना मुश्किल हो रहा है। जो आम छोटे बच्चे हैं वो नहीं निकल पा रहे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से गर्मी लगातार और अभी जो है गर्मी कुछ और भी बढ़ सकती है तो वो कहीं ना कहीं उसने आम लोगों की जो है हालत बिगाड़ रखी है। जितेंद्र, लोग क्या जागरूक है इस चीज को लेकर, क्योंकि डॉक्टर्स भी जिस तरह से सलाह दे रहे हैं गर्मी से बचाव के उपाय लोग वो अपनाते नजर आ रहे हैं? बाहर निकले तो सर पर कपड़ा ढक ले, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फ्रूट्स कुछ इस तरीके खाए जिनमें पानी की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, ये उपाय अपना रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सृष्टि, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है कि लोग बाग जो निकल रहे हैं वो खाना जो है बड़ा हल्का ले रहे हैं, पानी जो है लगातार जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं पानी आप जितना ज्यादा हो सके उतना पिए, सिर पे कोई ना कोई कपड़ा रखें, अगर आप मोटरसाइकिल पे भी चल रहे हैं हेलमेट के साथ चश्मे का प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं वो लोग बाग उपाय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है जिस तरीके की गर्मी है, मैं कहूंगा एक उमस है, उमस को लेकर लोग बाग काफी परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गर्मी का देखिए टेम्परेचर जो है वो लगातार रुक नहीं रहा, रात की बात की जाए दिन की बात की जाए गर्मी लगातार जो है वो बढ़ रही है। अब ये देखना होगा कि गर्मी कहाँ जाकर ये जो है टेम्परेचर जो है कहाँ रुकता है। हाँ। लेकिन फिलहाल पानीपत में हालात इस तरीके के हैं कि ना छोटे बच्चे जो सड़कें जो है दिन में ही 12 बजे के बाद जो है सुनसान दिखाई देती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, जिनको जरूरी काम होता है वही लोग निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात है हरियाणा न्यूज की तरफ से भी हम ये अपील करेंगे कि अगर आप बच्चों को कहीं लेकर जा रहे हैं तो उनका पूरा ख्याल रखें, उनके पालन पोषण के लिए उनको हल्के कपड़े पहनाएं, कहीं ना कहीं उनकी तो सारी चीजें जो है जिस तरीके से तापमान को हम नहीं अपने कंट्रोल में कर सकते कम ज्यादा, लेकिन हाँ उससे बचाव के उपाय हम जरूर अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए गर्मी तो बढ़ रही है लेकिन इससे बचाव के जो भी उपाय हैं अगर आप वो अपनाते हैं तो आपको थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है इस जलती गर्मी से।